डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल डिस्कस किया था। आज जो दूसरा है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। मेरी गट फीलिंग आ रही है कि इन दोनों में से एक जो है वो 16 मार्क्स में आना चाहिए। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो ऑसुबल की दी हुई थियरी है, तो आपने इनका नाम जो है वो ज़रूर मेंशन करना, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। ओके, पहले मैं इसको बेसिक आपको बता दूं, फिर इसका कंसेप्चुअल पार्ट देखें। एडवांस ऑर्गेनाइजर बहुत सिंपल कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप अपना इंस्ट्रक्शन, मतलब क्लास शुरू करने के पहले, टॉपिक आरंभ करने के पहले, उनको उनके साथ कुछ ऑर्गेनाइजर शेयर करते हैं, जिसमें कि उनको एक पूरे आने वाले टॉपिक की ओवरव्यू जो मिल जाता है, और उसका उससे जो खास करके बेसिकली डिडक्टिव अप्रोच है। अभी हमने जो पिछला पढ़ा वो इंडक्टिव अप्रोच था, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट की तरफ गए थे। आपको याद होगा एग्जाम्पलर एंड नॉन एग्जाम्पलर से हम कॉन्सेप्ट की तरफ गए थे। इसमें क्या कर रहे हैं, हम ओवरऑल पिक्चर पहले बता रहे हैं और उसके बाद उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मुझे मान लो आज पढ़ाना है हिंदी में क्रिया विशेषण के बारे में, तो मैं ओवरऑल भाषा, भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके आठ, फिर उसमें से एक, ये जो मैं एक ओवरऑल पिक्चर देता हूँ उनको, और फिर मैं विशेषण या क्रिया विशेषण जो भी विषय है उसके अंदर उसके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन, एग्जाम्पल, टाइप्स, टाइप के एग्जाम्पल, यूजेस, अपवाद, जो भी मुझे कराना है उसको मैं एक आउटलाइन में देता हूँ। आपको यदि मेरी क्लासेस याद हैं तो यूजुअली मैं उस टॉपिक में क्या पढ़ाने वाला हूँ उसको पहले एक आउटलाइन देता हूँ कि इसमें हम कॉजेस पढ़ेंगे, इफेक्ट पढ़ेंगे, प्रोसेसेस पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे, बैरियर्स पढ़ेंगे, मेरिट्स पढ़ेंगे। तो ये आपके मन में जो आ रहा है वो एडवांस ऑर्गेनाइजर है। और आप यूनिट की शुरुआत में भी वीडियोस में देख रहे हैं कि मैं पहले उस यूनिट का सिलेबस डिस्कस करता हूँ, तो सिलेबस भी इज एन एग्जांपल ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। तो आगे जो होने वाला है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सेशन के शुरू में जो आप देते हो वो है एडवांस ऑर्गेनाइजर। ऑसिबल के हिसाब से जो गोल ऑफ लर्निंग है वो सब्जेक्ट मैटर का है, डिलीवर करना है प्रेजेंटेशन, मेथड जो है टीचिंग की है वो इम्प्रूव करनी है, और इसमें जो कीवर्ड आपको जो एक सेंटेंस याद रखना है, एक फ्रेज याद रखना है। ऑसिबल ने इस मॉडल को प्रपोज करने के पहले एक थ्योरी दी थी, उसका नाम है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग के ही बेसिस पे डेवलप हुआ है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। और ये जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, इसमें तीन बेसिक चिंताएं हैं कि करिकुलम अर्थात कंटेंट को, नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, लर्नर का माइंड काम कैसे करता है, उस नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करेगा, और टीचर जो है कंटेंट और लर्नर के लेवल के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेगा, प्रेजेंट कैसे करेगा। तो कंटेंट, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन, ये तीन कंसर्न है अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। इसमें आइडिया ये है कि टीचर की भूमिका है कि वो सबसे अधिक मीनिंगफुल तरीके से कंटेंट को कम्युनिकेट करे। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है वो कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स हैं जो स्टूडेंट्स को हम डायरेक्टली सेशन के शुरू में हम शेयर करते हैं, जिससे उनका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन होता है। और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है बेसिकली किस तरह के नॉलेज हमें पहले से है और पहले से क्या है, और नॉलेज को हम कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, नए नॉलेज को पुराने से, और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, इसके बारे में ये सोचता है। और एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को स्ट्रेच करना नए मटीरियल से, उसके पहले ज़रूरी है कि उनको एक एडवांस ऑर्गेनाइजर दिया जाए जो नए और पुराने मटेरियल को लिंक करता हो। पॉसिबल के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट जो वो चेन ऑफ कॉन्सेप्ट है, और ब्रेन भी हमारा चेन ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में ही उसको लर्न करता है, तो टीचर की भी जिम्मेवारी है कि उसको भी चेन ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में प्रेजेंट करे, ताकि जो तीनों लेवल है वो एक ही पे आ जाए। ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का बिल्कुल फ्रेमवर्क है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में दो बेसिक चीज़ है, नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए और ब्रेन जो है हमारा कैसे उसको प्रोसेस करने में काम करता है। इन दोनों के लेवल पे टीचर तय करता है कि कंटेंट को वो कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, और वो दो सिद्धांत दिमाग में रखता है। एक सिद्धांत को प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं और दूसरे को कहते हैं इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन। तो अभी टेक्निकल टर्म्स जो है अभी मैंने शुरू किए, पहला था मीनिंगफुल लर्निंग और ये दूसरा फिर हम आ रहे हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर में, भी डिस्कस करता हूँ कि टेक्निकली है क्या। बट दो प्रिंसिपल्स हैं, प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन। प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन क्या है, यदि जनरल आइडियाज हमने पहले प्रेजेंट कर दिए तो स्पेसिफिक आइडियाज बाद में प्रेजेंट करना इजी हो जाता है। ये जनरलाइजेशन टू
पर्टिकुलराइजेशन जिसको डिफ्रेंसिएशन कहा गया है, तो उससे लर्निंग जो है ईजी हो जाती है। दूसरी कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटिव रिकन्सिलिएशन, कि जो पहले से लर्न है उससे लिंक करेंगे न्यू आइडियाज को तो मीनिंगफुल लर्निंग होगी। ये दो सिद्धांत जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर के पीछे। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर बेसिकली है क्या, ये ऑर्गेनाइजिंग स्टेटमेंट है जो बिगिनिंग ऑफ लेसन में हम देते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन ये है, ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी मटेरियल है जो लर्निंग टास्क के पहले दिया जाता है, जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंक्लूसिव होता है, बड़ा जनरल होता है। और इसका जो बेसिक आइडिया यही है कि जो मटेरियल दिया जाने वाला है उसको समराइज करे, इंटररिलेट करे, इंटीग्रेट करे और एक जनरल फ्रेम बने ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि आगे क्या होने वाला है, ट्रेलर जैसा है। अब एडवांस ऑर्गेनाइजर दो तरह के हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सपोजिटरी और दूसरे को बोलते हैं कंपेरेटिव। जो एक्सपोजिटरी है वो जनरली लेक्चर मेथड में हम यूज करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, पार्ट स्पीच से शुरू किया, या जैसे मुझे मैथमेटिक्स में स्क्वायर या रेक्टेंगल के बारे में बताना है तो आई स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट डेफिनेशन और उसके अंदर है। या फिर कोई जनरलाइज स्टेटमेंट बाद में जिसको मैं स्पेसिफिक फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर हम एडवांस ऑर्गेनाइजर कंपेरेटिव भी करते हैं, एनालॉजी के थ्रू हम करते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई चीज सिखानी है और उसका रियल लाइफ से कोई लिंक है, जैसे मुझे फसलों के बारे में बताना है तो उसके बारे में मैं शुरू कर रहा हूँ कि आज आप क्या खाकर आए हो, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, तो वो जो है वो एक तरह का एडवांस ऑर्गेनाइजर है जिसको हम लिंक कर सकते हैं आज आने वाले टॉपिक से। तो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर की टाइप है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था किसी भी टीचिंग मॉडल के 6 आस्पेक्ट होते हैं, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, इस तरह से मैंने आपको 6 चीजें बताई थी। पिछला वीडियो आपने इसलिए ध्यान से सुनना है, खासकर शुरू के जो 4-5 स्लाइड्स है जिसमें मैंने बताया मॉडल क्या होते हैं, टीचिंग मॉडल के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो हर मॉडल की वही कंपोनेंट है। तो बेसिक फोकस क्या है, बेसिक फोकस है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना ताकि जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको रिटेन करना ईजी हो जाए। जनरली ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उसमें मेजर कॉन्सेप्ट हैं, प्रपोजिशन हैं, जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स, उससे शुरू करते हैं और बाद में डिडक्टिव है ना, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ ले जाते हैं। एक्सपोजिटरी और कंपेरेटिव मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सिंटैक्स मतलब फेजेस क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं। देखिए 3 फेजेस हैं। पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल, तीसरा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। उसके अंदर क्या है आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं, तो कम से कम आपको ये 3 स्टेप्स से क्लियर होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल और स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है कि आप एम को क्लेरिफाई करें, कोई ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सपोजिटरी भी हो सकता है, कंपेरेटिव भी हो सकता है, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा तो क्लेरिफाई हो जाएगा। फिर उसके डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके एग्जांपल दें, उसका कॉन्टेक्स्ट बताएं, फिर उसको रिपीट करें और उनसे जुड़ा हुआ जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं जिससे लिंक पे आपने एडवांस ऑर्गेनाइजर दिया है, बच्चों की कोई प्रीवियस लर्निंग है उसको भी आपको जगाना है, उसको स्टिमुलेट करना है, ये पहला पार्ट। उसके बाद आप पढ़ाइए, मटेरियल प्रेजेंट कीजिए, उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचिए, उनको कैसे आपने स्ट्रक्चर किया है वो बताइए, लॉजिकल ऑर्डर में उसको कीजिए, लेक्चर, डिस्कशन, फिल्म, एक्सपेरिमेंट आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। बाय द वे एडवांस ऑर्गेनाइजर में हम आउटलाइन ही नहीं देते, कई बार कोई फिल्म, कई बार कोई कार्टून, कई बार कोई आंकड़े, कई बार कोई ग्राफ, कोई भी चीज़ जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर हो सकती है। उसके बाद थर्ड स्टेप है स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जिसमें आपने इंटीग्रेटिव रिकन्सिलिएशन, मैंने अभी आपको 2 प्रिंसिपल्स बताए हैं, उसका आपने इस्तेमाल करना है। एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग की जो मैंने बात की उसको निकालना है, और जो क्रिटिकल अप्रोच है सब्जेक्ट मैटर को लेकर के वो निकालना है, देखना है कि बच्चों को वो चीज़ समझ में आई कि नहीं आई तो उसको क्लैरिफाई करना है। 6 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट मैंने बता दिया, फोकस क्या होता है इस मॉडल का, दूसरा सिंटेक्स क्या है, फेजेस क्या है, फिर है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम आपको याद है स्टूडेंट टीचर की रिलेशनशिप को लेकर के किस तरह से वो चीज़ें चल रही हैं। तो सोशल सिस्टम जो जनरल देखें हाईली स्ट्रक्चर्ड, टीचर प्रेजेंट करेगा, लर्नर इंटरेक्ट करेगा, और जनरल स्पेसिफिक लेवल पे देखें तो फेज 1 और 2 में मेन रोल टीचर का है, लेकिन फेज 3 में मेन रोल स्टूडेंट का है, हालांकि टीचर की भी इक्वल भूमिका। तो यदि आप देखें इसमें तो इसमें जो है वो लास्ट वाला जो पार्ट है, देखिए स्टेप 1, 2 एंड 3, स्टेप 1 और 2 में टीचर डोमिनेट कर रहा है, स्टेप 3 में जो स्टूडेंट है वो डोमिनेट कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, स्टूडेंट्स की क्या भूमिका है, स्टूडेंट्स जनरल लेवल पे देखें तो मीनिंग के लिए निगोशिएशन हो रही है, साथ में आप देखें कि जिम्मेवारी है
ऑर्गेनाइजर जो है, एडवांस ऑर्गेनाइजर और आने वाला जो कंटेंट है उनके लिंक बिठाने की जरूरत है। स्पेसिफिक लेवल पे देखें तो टीचर की मेन भूमिका क्या है, बच्चों के डाउट्स क्लियर करना, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को, ओल्ड और न्यू से जो लिंकेजेस है उसको एस्टैब्लिश करना, और स्टूडेंट की जो भूमिका है वो डाउट्स को क्लैरिफाई करना। एलिमेंट फाइव जो है वो सपोर्ट सिस्टम को लेकर क्या क्या चाहिए, डाटा रिच, मतलब आपके पास बच्चों की कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में उनको पहले से क्या पता है, उसके बारे में आगे आने वाला क्या है, वो सारी जो है आपके पास मटेरियल पहले से रेडी होना चाहिए, मटेरियल ऑर्गेनाइज शेप में होना चाहिए। और ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर है, पिक्चर्स, फिल्म, चार्ट्स, मॉडल, कॉन्सेप्ट्स, मैप्स किसी रूप में आ सकते हैं। छठा जो इफेक्ट है, मैंने आपको एप्लीकेशन कहा था, तो कई बुक्स में एप्लीकेशन है छठा एलिमेंट, कई में इफेक्ट है। इफेक्ट दो तरह के मैंने बताया था, इंस्ट्रक्शनल और नर्चरिंग। इंस्ट्रक्शनल जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, नर्चरिंग जो साथ में स्टूडेंट्स की मोटिवेशनल एस्पेक्ट है, लर्निंग एबिलिटी रेडीनेस से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है वो उसमें कवर होता है। तो इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स जो है वो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर बच्चे के दिमाग में बनता है, मीनिंगफुल एसिमिलेशन होती है इंफॉर्मेशन और आइडियाज की। नर्चरिंग इफेक्ट ये है कि उनका इंक्वायरी के प्रोसेस में जो है इंटरेस्ट जगता है और प्रिसाइज थिंकिंग की हैबिट भी डेवलप होती है। ये पूरी की पूरी समरी है। तो देखिए, प्लानिंग फेज है, इंप्लीमेंटेशन फेज है, इवेल्युएशन फेज है। प्लानिंग फेज में आप स्कोप तय करते हैं, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कंटेंट का, एक के दो पार्ट, दो के तीन पार्ट, तीन, जैसे ये भी जो है एक तरह का ऑर्गेनाइजर है। यदि मैं इसी ऑर्गेनाइजर से इस लेक्चर की शुरुआत करता तो ये भी क्या था, एडवांस ऑर्गेनाइजर, दिस इज नोन एज अ कॉन्सेप्ट मैप। फिर आप देखें कि सेकेंड स्टेप में क्या है, इंप्लीमेंटेशन में एडवांस ऑर्गेनाइजर देते हैं, फिर आप प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, फिर इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन यूज करते हैं। प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजर जनरल नेचर का है और जो आपका लेक्चर है, आपका जो इनपुट है वो स्पेसिफिक होता चला जाता है, दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन में प्रायर नॉलेज से आप बार बार उसको लिंक करते जाते हैं। एंड फाइनली थर्ड स्टेप इज इवेल्युएशन। एक एग्जांपल है कि ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसके अंदर 1D, 2D, 3D है, 1D के अंतर्गत रे लाइन है, 2D के अंतर्गत क्या क्या है, 3D के अंतर्गत क्या क्या है, तो आप देख लो ये आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड फिगर्स का ये ओवरऑल एडवांस ऑर्गेनाइजर का एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ये है, फ्रॉग्स एंड टोड्स के बारे में बताना है। आपने यहाँ से शुरू किया, कुछ चीजें फ्रॉग में होती है टोड में नहीं, कुछ चीजें टोड में होती है फ्रॉग में नहीं, और कुछ चीजें जो है वो कॉमन होती है। इसके बाद आप एक एक को बताना शुरू करते हो, है ना, तो आप जनरल से चल रहे फिर स्पेसिफिक की तरफ आ रहे। ये भी देखो एक एडवांस ऑर्गेनाइजर है, कॉन्सेप्ट मैप, ओमनीवोर्स, हैबिटेट, स्पीशीज और डाइट। आपको तीन चीजें बतानी है। हैबिटेट में क्या बताना है, ग्रासलैंड में है, फॉरेस्ट में है, कैसे अडेप्ट करते हैं, डेजर्ट में, वेटलैंड में, स्पीशीज में और डाइट। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ omnivores. I mean, this is an example of concept map which can be used as an advanced organizer. Educational implication क्या है? Interactive model है, deductive approach use करता है, theory से example की तरफ ले जाता है. Deductive approach आपको मैंने पहले भी discuss किया हुआ है किसी में, मेरे ख्याल paper 7 में आप वहाँ से देख सकते हैं. Lecturing method के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है ना, यदि आपको lecture method use करना है और आपने शुरू में advanced organizer use कर लिए हैं, तो जो लर्नर है, खासकर अभी जो यूनिट 3 में मैं एक टॉपिक आपको कराने वाला हूँ लर्निंग स्टाइल्स का, उसमें एक लर्नर होता है थियरिस्ट के लिए एडवांस ऑर्गेनाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पहले से पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। जैसे अभी मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहा हूँ स्कूल प्रिंसिपल्स का, और अभी लंच ब्रेक में मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम मिलता नहीं है। तो यहाँ भी जो कई जो लर्नर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर जो इस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं, वो कहते हैं जी मुझे हमें 6 दिन का बता दो किस दिन क्या होने वाला है। क्यों जरूरी है? सब लोग ये नहीं मांग रहे हैं। जो लोग ये मांग रहे हैं वो थियरिस्ट टाइप के लर्नर हैं, उनके दिमाग में पहले से एक खाका हो कि क्या होने वाला है, तो उनकी प्रिपरेशन और उनकी जो एक्सेप्टेंस है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रति वो ज्यादा हो जाएगी। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर जो लेक्चर मेथड है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। और